आते हैं वही कमेंट सेक्शन में बताएं। और सैलरी का ऐसा है कि जब आप मेरे से बात करेंगे जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, हेलो और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अरब इंफो हिंदी यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक कंपनी में वेल्डर चाहिए और मैकेनिक चाहिए। जो मैकेनिक है वो डीजल मैकेनिक है, और क्या क्या मतलब वो रिपेयर कर सके, क्या क्या मेंटेनेंस कर सके, मतलब जिस कंपनी के लिए चाहिए उस कंपनी को क्या मेंटेनेंस करवाना है, तो मैं पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा उसका, ठीक है। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, और इसके लिए कैपेबल हो तो ही आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो वेल्डर है, वेल्डर का क्राइटेरिया भी बताऊंगा मैं क्या है। कंपनी को एक वेल्डर चाहिए और एक मैकेनिक चाहिए, ठीक है। और जो वेल्डर है वो वेल्डर का आर्क वेल्डर है, बाकी थोड़ा बहुत टिग वेल्डिंग का भी काम होता है, ठीक है। जो वेल्डर होता है वो कर ही लेता है, लेकिन आर्क वेल्डर का ज्यादा है। और दूसरी बात, ये जो वेल्डर है वो फेब्रिकेटर भी होना चाहिए, ठीक है। जो वेल्डर लोग होते हैं उनको पता होगा फेब्रिकेटर क्या होता है, मतलब वेल्डिंग करके वो फिक्स जो करते हैं वो भी करना आना चाहिए। और दूसरी बात, जो वेल्डिंग का काम होगा तो वेल्डिंग का काम करना पड़ेगा, अगर वेल्डिंग का काम नहीं है तो पाइप फिटर का काम भी करना पड़ेगा। पाइप फिटर मतलब ये है कि वो पाइप फिटर नहीं स्पेशलिस्ट है, वेल्ड स्पेशलिस्ट तो उसमें ही रहेगा वो वेल्डर में, बट पाइप फिटर का काम करना पड़ेगा, वो कंपनी का पाइप फिटर का भी है। और दूसरी सैलरी आपकी वही रहेगी जो आपका वेल्डर भी लगेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आप वेल्डर का काम नहीं है तो आपका सैलरी कम हो रहा है, लेकिन हाँ अगर काम की नॉलेज नहीं होगी, आप वहां से झूठ बोल के आते हो, फिर यहाँ पे आपसे काम नहीं, तो फिर सैलरी भाई देखो रिडक्शन होएगा। जो है वो बताऊंगा रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंसी पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ मैं। तो जो वेल्डर है और ठीक ठाक वेल्डर जो काम कर सके वही कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये हो गया वेल्डर का क्राइटेरिया। अब है मैकेनिक का। मैकेनिक देखिए, इस कंपनी को जो चाहिए मैकेनिक, उसमें ये आपका डिवॉटरिंग पंप होता है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो बंदे इंटरेस्टेड है तो आपके निकल का आएगा। डिवॉटरिंग पंप है कंपनी के पास में, वो मेंटेनेंस करना पड़ जाता है, रिपेयरिंग करना पड़ जाता है। और एक्सकेवेटर है, जेसीबी है, और आपका ये डीजल जो जनरेटर होता है वो है, बाकी गाड़ी का थोड़ा बड़ा जो सर्विस वर्विस है वो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिक चाहिए, तो जो इस तरह क्राइटेरिया वो आते हैं वही कमेंट सेक्शन में बताएं। और सैलरी का ऐसा है कि जब आप मेरे से बात करेंगे जो बंदे इंटरेस्टेड है और इसके काम की कैपेबल है, कंपनी उनको करेगी तब वो सैलरी आपको बताएगी, ठीक है। और जो इसी तरीके की जानकारी मैं देते रहता हूँ, तो जो हमारे नए व्यूवर्स है वो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दे। देखिए, मैं जॉब का नहीं बताता कि जॉब किस कंपनी में किया, ये मेरा एक पर्सनल कंपनी है, तो मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बंदे चाहिए, तो मैं आपके लिए आपका शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी मैं गल्फ कंट्री की इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करता रहता हूँ, पूरी जानकारी, ठीक है, वीजा के बारे में, यहाँ की जॉब के बारे में, और जो भी परेशानी होती है लोगों को, जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको जाते मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। और तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।